हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की मैथ क्लास में। मैं मनोज शर्मा और आज आपके टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज ही लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज देखो, एक्सपोनेंशियल सीरीज समझने से पहले आपने जैसे लॉग पढ़ा होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। जैसे वाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, नेचुरल लॉग होता है ये। जब इसको हम ये लॉग फॉर्म में है, लॉग फॉर्म में, ठीक है, ये लॉग फॉर्म हो गया। और इसको जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ई यहां आया, ये पावर में इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें इसका एक्सपेंशन करना है। तो देखो, फर्स्ट जो एक्सपेंशन होता है वो होता है ई की पावर एक्स का, याद करो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन होगा वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो। ये एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है और ये इसका फर्स्ट एक्सपेंशन हो गया। अब जैसे सेकेंड नंबर पे हम क्या करें, यदि e की प्लेस पर माइनस एक्स करते हैं तो देखो इसका एक्सपेंशन होगा वन माइनस, यहाँ पर x वन टाइम है तो x अपॉन वन फैक्टोरियल, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर x स्क्वायर है और जब x प्लेस पर आप माइनस x पुट करोगे तो प्लस x स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस x क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया। हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते, देखो क्या होगा, एडिंग। जब ऐड करोगे तो होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ध्यान देना, जब दोनों को ऐड किया तो 1 और 1 2 हो गया, प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और ये और ये फिर ऐड हो गए, ये भी 2 टाइम्स हो गए 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सेम ऐसे नेक्स्ट टर्म आएगा 2 एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनिट। फैक्टोरियल हम आपको इससे पहले की क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, आपने क्या किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन किया। जब 2 कॉमन करोगे तो देखो प्रीवियस पेज में यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा फॉर्मूला बनेगा आपका। देखो क्या होगा, 2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं या इस तरह से भी याद कर सकते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन 2 के फॉर्म में, मतलब इस 2 को अपॉन में लेकर आए, तब फॉर्मूला हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो। ये आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला, आपको इसको याद रखना है। सेम एज हम जैसे सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग, देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन 2 और उसका तब फॉर्मूला होगा। देखो इसमें x पावर 2 x पावर 4 मतलब इवन टर्म्स आए और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 1 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और आपके ऑड जिनमें एक्स पावर 1 है या 3 है, मतलब ऑड टर्म्स ये आएंगे आपके, तो इनको लिखेंगे। देखिए लिख लीजिए क्या होगा, 2 एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक टर्म्स और लिखते हैं एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तब आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इनको कोशिश ये करनी है आपको डायरेक्टली याद रखना जिससे सम करने में स्पीड आ सके, ठीक है। ये तो जब e की पावर x या e की पावर माइनस x या e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 या e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 इसके फॉर्मूले थे। अब जैसे इस तरह से आ जाए, देखो जैसे अभी आपको एक्सपेंशन बताया था e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये था। अब हम इसमें क्या करें, लिखेंगे पुटिंग
x इक्वल टू वन पुट किया तो देखो e की पावर वन यानी e, तब e का एक्सपेंशन होगा, याद कर लीजिए, वन प्लस एक्स प्लेस पर वन, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तब ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये फर्स्ट हो गया, जब e की पावर माइनस एक्स का जो आपने एक्सपेंशन किया था, ये देखो e की पावर माइनस एक्स का किया है, इसमें आप x प्लेस पर 1 दिखेंगे तो e की पावर माइनस वन इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, तो आपका कुछ एक्सपेंशन ऐसा बन जाएगा, सेकंड वो e की पावर माइनस वन का होगा, ऐसा होगा वन माइनस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो, ठीक। इसमें भी आप वही करेंगे, जब ऐड करेंगे, ऐड करेंगे एडिंग, तब आपका फॉर्मूला बनेगा e प्लस e इनवर्स इक्वल टू, देखो इसमें भी ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, टू वन प्लस वन टू, तो टू बाहर कॉमन किया, वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, तब ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप इसमें भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, e प्लस e इनवर्स यानी e पर माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वन प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल प्लस वन बाय फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये थर्ड नंबर। अब उसी तरह जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, तब आपका फॉर्मूला बनेगा माइनस e इनवर्स अपॉन टू, वो हो जाएगा सेम उसी के जैसा, वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो, इस तरह से आपको फॉर्मूले ये याद रखने। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए, जैसे कभी ऐसा आ जाए कि एक्सपेंशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो इसका एक्सपेंशन होगा वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए ऑफ होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो वन, ये सारे एक्सपेंशन आपको याद रखने, ये एक्सपेरेंशियल सीरीज का सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले आप लोगों को याद हो गए होंगे, अब हम लोग इसके सम की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सम देखिए क्या है, देखिए फर्स्ट सम गिवन है आपको, द सम ऑफ 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, हमें इसका सम फाइंड करना है। इस बहुत इजी सम है, बट ये पीजीटी के एग्जाम्स में आया है, आप लोग मतलब करने की ट्रिक सीख लो। देखो हमने अभी आपको एक एक्सपेंशन बताया e इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, नहीं इसमें प्लस माइनस आ रहा है, तो e पर माइनस 1 कर दीजिए, प्लस मत करिए, तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट सो, ठीक। तो देखो 1 फैक्टोरियल वैल्यू 1 ही होती है, तो e पर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय सॉरी माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट सो, और देखिए आंसर आपका आ गया, दो लाइन का क्वेश्चन था ये, आंसर क्या आया e की पावर माइनस 1। तो इसी जो सीरीज को देखकर आप याद करना, मतलब सीरीज यदि ये याद होगी तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे और सम को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया ये सम, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम को, देखिए नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम है द सम ऑफ 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इनमें से ऑप्शन होगा या तो ये होगा ए ई, या सेकंड ऑप्शन बी की पावर ई की पावर माइनस 1, या सी ऑप्शन होगा ई की पावर माइनस 2, या डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, या नहीं लिखा मैंने, लिख दीजिए नन ऑफ दिस, या तो इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से कोई एक आंसर होगा,
ठीक। अब देखिए, इससे पहले वाले सम में आप लोगों ने जो किया था उसमें न्यूमरेटर में वन था तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया था, बट इसमें न्यूमरेटर में आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि वन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो देखो, इस तरह के सम को करने के लिए हम लोगों ने सिक्वेंस सीरीज किया हुआ, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी किया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी सीरीज लिखी हुई इसका nth टर्म फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? nth टर्म फाइंड करेंगे। पी एन इक्वल्स टू, देखो कैसे फाइंड करेंगे, रफली वर्क करते हैं। फर्स्ट सीरीज है 2 + 4 + 6 + ……, तो फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो यहाँ पर a है 2 प्लस n, n ही है माइनस वन, और d है 4 माइनस टू यानी 2 ही। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट हो गया, यानी आपका nth टर्म जो है वो 2n आ गया। आप यहाँ पर लिख देंगे 2n। अब डिनोमिनेटर में इसका भी nth टर्म फाइंड करेंगे। हम लोग सिंपली 357 लेंगे और इसका nth टर्म फाइंड करते हैं। चलो लिख दो प्लस करके। तो देखो इसमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी 2, तो क्या हो जाएगा 3 + 2n - 2, तो आ गया 2n + 1 आया। तो यहाँ पर हो गया इसका nth टर्म 2n + 1 का फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आया? हमने क्या किया कि जो भी सीरीज इसमें गिवन है उसके न्यूमरेटर का भी nth टर्म और डिनोमिनेटर का nth टर्म, तो जब जैसे 2/3 फैक्टोरियल है, 4/5 फैक्टोरियल, तो इसका nth टर्म भी 2n / 2n + 1 फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। आप देखिए क्या करेंगे, पहले तो nth टर्म लिख लेते हैं, tn इक्वल्स टू 2n / 2n + 1 फैक्टोरियल। अब में क्या करना होता है, इस सम को जो इससे पहले क्वेश्चन किया है इस फॉर्म में लाना होगा, मतलब न्यूमरेटर में हमें 1 लाना होगा जिससे इस सीरीज को आप अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पर 1 लाना है, डिनोमिनेटर में 2n + 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जैसा ही बनाएंगे। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट डिवाइड कर देंगे, 2n + 1 / 2n + 1 फैक्टोरियल माइनस 1/2n + 1 फैक्टोरियल। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला फैक्टोरियल जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि n फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n × n - 1 फैक्टोरियल। जिसको भी नहीं याद है इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मतलब n फैक्टोरियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में n × n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2n + 1 गिवन है, देखो कैसे 2n + 1, ये 2n + 1 फैक्टोरियल गिवन है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 2n + 1 × 2n + 2n फैक्टोरियल, मतलब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी 1 माइनस करके लिख दिया, −1/2n + 1 फैक्टोरियल। अब ध्यान दो, ये 2n + 1, ये 2n + 1 कट हो गया, तो आपका जो nth टर्म है वो आ गया tn इक्वल्स टू 1/2n फैक्टोरियल −1/2n + 1 फैक्टोरियल, ये आपका nth टर्म आ गया। और देखो ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर पे आपका 1 हो गया, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर पे 1 हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे पुटिंग n = 1, 2, 3, ……, ऐसे पुट करें, पुट करो तो देखो t1 क्या होगा, ध्यान देना n के प्लेस पर 1 पुट किया तो 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 पुट किया तो 1/2 बन जा 2, देखो n के प्लेस पर 1 पुट कर रहे हैं तो 2 बन जा 2 + 1 यानी 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। आपने n के प्लेस पर 1 पुट किया, फिर n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, t2 = जब 2 पुट किया तो 1/4 फैक्टोरियल हो गया, इस पर पुट किया तो 1/2 + 4 = 1/5 फैक्टोरियल हो गया, और उसी तरह ……, जब इसको सम करेंगे आप प्लस करेंगे ऐसे, तो देखो क्या होगा।
वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल माइनस वन बाई फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाना, तो यहाँ पर इनफाइनाइट कर दीजिए। इस तरह से अब देखो ये फिर पहले वाला क्वेश्चन आ गया, क्या करेंगे ऐसे इनफाइनाइट करना है तो देखो इसमें वन ऐड करेंगे और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही वन माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल वैसे ही प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, और देखो ये वापस वही फॉर्मूला बन गया और इसको वापस ई की पावर माइनस वन लिख देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो गया e की पावर माइनस वन। तो आप फिर से समझ लीजिए क्या करेंगे, पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसमें न्यूमरेटर में nth टर्म फाइंड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का nth टर्म फाइंड करेंगे, फाइंड कर लिया उसके बाद क्या किया आपने, हमें न्यूमरेटर में n को हटाना है तो उसके लिए जैसे डिनोमिनेटर में वैल्यू है वैसी ही वैल्यू न्यूमरेटर में करेंगे कि आप इसमें क्या करेंगे वन ऐड कर देंगे और वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, उसके बाद सेपरेट डिवाइड किया दोनों को और यहाँ पर टू एन प्लस वन है तो इसको भी टू एन प्लस वन डॉट टू एन फैक्टोरियल मतलब वन डिक्रीज करके लिखा, और ये आप फैक्टोरियल के मेथड से जानते हो माइनस वन अपॉन टू एन फैक्टोरियल, ये टू एन प्लस वन ये टू एन प्लस वन कट हो गया तो nth टर्म आपका आ गया वन बाय टू एन फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन फैक्टोरियल, उसके बाद फिर इससे पहले सिक्वेंस सीरीज में भी इस टाइप के कुछ सम किए थे उसमें फैक्टोरियल तो नहीं था बट सम थे, क्या करेंगे n इक्वल टू वन टू थ्री डॉट डॉट n पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया टी वन इक्वल टू n की प्लेस पे वन पुट किया तो टू वन जा टू फैक्टोरियल टू वन जा टू प्लस वन यानी थ्री फैक्टोरियल, जब टू पुट किया तो टू टू जा फोर फैक्टोरियल टू टू जा फोर प्लस वन यानी फाइव फैक्टोरियल, और इसके बाद इनको ऐड करेंगे तो देखो इसको लिखा माइनस इसको प्लस इसको माइनस इसको इस तरह डॉट डॉट सो ऑन करते जाएंगे ऐड किया। अब इसके बाद देखा ये इक्वेशन आ गई इसमें सीरीज आ गई इसमें वन से देखो e का जो फॉर्मूला है वन से स्टार्ट होता है या e इनवर्स का, तो यहाँ पर वन नहीं था तो इसके लिए मैंने वन ऐड किया और वन सब्ट्रैक्ट किया ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और वन अपॉन वन फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो, तो देखो एक सीरीज कंप्लीट हो गई और वो e की पावर माइनस वन की सीरीज होती है, तो इस तरह से आप ये नेक्स्ट सम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से नेक्स्ट सम फिर से करते हैं, देखो इसका नेक्स्ट सम क्या है, दिया हुआ है द सम ऑफ वन प्लस थ्री अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस फाइव अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस सेवन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और इनमें से ऑप्शन है एक तो थ्री ई है, सेकंड बी ऑप्शन है टू ई, सी ऑप्शन है ई और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी, जब इनमें से भी कोई एक आंसर होगा तो आप लोग पहले वही करेंगे इसका nth टर्म फाइंड करेंगे nth टर्म, तो nth टर्म देखो न्यूमरेटर में वन थ्री फाइव सेवन यहाँ से स्टार्ट हो रही है सीरीज वन थ्री फाइव सेवन वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस डॉट डॉट वन, तो हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे इसका क्या होगा a प्लस ए यहाँ पर वन है n माइनस वन और d क्या होगा थ्री माइनस वन यानी टू होगा। ठीक है, तो देखो वन प्लस टू एन माइनस टू फाइनली आपका सॉल्व होकर आ गया 2n माइनस वन, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 2n माइनस वन और डिनोमिनेटर में देखो डिनोमिनेटर में यहाँ ध्यान देना यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है जीरो फैक्टोरियल जीरो वन टू थ्री, ठीक है तो वहाँ से लेंगे सीरीज को तो जीरो वन टू थ्री इधर रफ में कर लेते हैं जीरो वन टू थ्री डॉट डॉट वन, तो जब इसका nth टर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू माइनस वन वन हो गया। ठीक है, मतलब n माइनस वन फैक्टोरियल आ गया, और ये फॉर्मूले से ना करके इस तरह से करेंगे इसमें जीरो से स्टार्ट हो गया और nth टर्म वन से n होता है तो यानी इसमें एक टर्म ज़्यादा हो रहा है इसलिए यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा, तो आपका ये आ गया n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख लेंगे, यहां तक समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, देखो यहां पर 2n माइनस वन है यहां n माइनस वन, तो आप इसमें क्या करेंगे वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वन ऐड कर देंगे इस तरह से,
माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, वन सब्ट्रैक्ट किया और वन ऐड किया तो देखो क्या होगा, टू एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखो इसमें न्यूमरेटर में टू कॉमन किया एन माइनस वन और इसको वापस इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख करके फैक्टोरियल हटा देंगे यहाँ से, ऐसे एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो ये एन माइनस वन और ये एन माइनस वन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगी, एन टर्म की टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक। इसमें इसमें फिर से वही करेंगे, पुटिंग एन इक्वल टू वन टू थ्री डॉट डॉट सो ऑन। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट मेथड सिखाते हैं, जैसे आपका टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल आ गया, इसमें आप जब एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे इसमें टू है वन पुट किया तो वन माइनस टू यानी माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक। फिर टू पुट किया तो टू अपॉन टू माइनस टू यानी जीरो फैक्टोरियल, प्लस टू अपॉन थ्री पुट किया तो वन फैक्टोरियल, प्लस फोर पुट किया तो टू अपॉन फोर माइनस टू टू फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट, इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसमें तो ये तो टर्म्स जीरो होता, माइनस वन फैक्टोरियल कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्लस टू कॉमन, जीरो फैक्टोरियल यानी वन हो गया तो वन अपॉन वन नहीं लिखेंगे, प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और ये फॉर्मूला ई का होता है, आपको अभी हमने पहले ही बताया है, ठीक है। तो वहां पर वापस ई कर देंगे तो देखो वन प्लस क्या हो गया टू ई। तो ये चीज याद कर लो कि जैसे टू अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, जैसे या तो एन माइनस टू था, उसी तरह जैसे वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल से स्टार्ट करोगे तब भी देखो पहले वन पुट किया तो जीरो फैक्टोरियल हो गया, टू पुट किया तो वन फैक्टोरियल हो गया, थ्री पुट किया तो टू फैक्टोरियल, और ये भी आपका क्या होगा ई का समेशन हो जाएगा। तो यहां से एन माइनस वन या इससे पहले से किसी वैल्यू से स्टार्ट किया तो इन सबका सम ई होगा, ठीक है। तो यहां पर जब पुटिंग एन इक्वल टू वन टू थ्री डॉट डॉट करेंगे तो सम आपका अब डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हमने आपको सिखा दिया, इसको ये ई हो गया और ये भी ई हो गया तो ये थ्री ई हो गया, ये याद रखना। तो इससे जल्दी हो जाएगी, हर बार तो आप इस तरह लिखेंगे नहीं कि जब भी टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल आ गया इट मीन्स टू तो कॉन्स्टेंट है बाहर और वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल ई हो जाएगा सम, और वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल भी ई हो जाएगा, तो टोटल थ्री ई। और इसका ऑप्शन देखिए मैच होता है या नहीं, तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है जिसमें थ्री ई आंसर आ रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जब आगे सम करेंगे तो यहाँ पर जो हम लोगों ने फॉर्मूला याद किया है इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जब भी ऐसी वैल्यू आ जाएगी तो उसको डायरेक्ट ई लिख देंगे या ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसको भी ई लिख देंगे, तो आपका सम जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है ना। और आपको वहां पर एग्जाम में स्पीड तो चाहिए ही। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है द सम ऑफ वन प्लस टू क्यूब अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थ्री क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखो आपका जो सीरीज की है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर वन प्लस टू क्यूब अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस थ्री क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो। तो अब इसका nth टर्म फाइंड करना, तो यहाँ पर कोई टर्म्स गिवन नहीं, यहाँ टू क्यूब है यहाँ थ्री क्यूब, तो यहाँ पर आप अपने आप से वन क्यूब कर लेंगे, वन क्यूब भी वन होता और यहाँ पर भी अपने आप से वन फैक्टोरियल। तो देखो आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई, वन से स्टार्ट हो गई। तो अब आपका जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, लिखो nth टर्म होगा, देखो वन टू थ्री, तो एपी के फॉर्मूले से वन टू थ्री का nth टर्म n ही होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे n पावर थ्री है तो थ्री कर देंगे,
और डिनोमिनेटर 1, 2, 3, तो इसका भी nth टर्म n, तो ये हो गया n फैक्टोरियल। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ गया n क्यूब, डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल। और अब आपको यहां से न्यूमरेटर से n को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, जिससे पहले मेथड किया वही करेंगे कि n क्यूब है तो यहां पर n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो n से एक n कट हो गया, तो आपका nth टर्म आ गया टी एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखो nth टर्म आपका आया एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखो n माइनस 1 और यहां n स्क्वायर, तो हमें न्यूमरेटर में कुछ ऐसा करना है कि न्यूमरेटर में भी n माइनस 1 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके बाद आप सेपरेट डिवाइड कर दीजिए n, अच्छा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 1 को n माइनस 1 n प्लस 1 लिख सकते हैं। चलो ये नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, पहले हम लोग सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एन माइनस वन एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है ना, प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, देखो अब यहां पर एन माइनस वन है, यहां भी एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो इसको आप इसी में एक्सपेंड कर देते हैं। यहां पर वापस लिखते हैं इसको, देखो n माइनस वन फैक्टोरियल को आप लिखेंगे n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये इसको कट कर देगा, तो आपका आ गया n प्लस वन अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा और लिखते हैं, हमें लग रहा है आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया, तो पहले सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके फिर नेक्स्ट लाइन में कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कि इसको n माइनस वन डॉट n प्लस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल को देखिए, हमने एक्सपेंड किया हुआ n माइनस वन डॉट n माइनस टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ये दोनों कट हो गए, तो आपकी रिमाइनिंग वैल्यू ये आ गई। अब देखो न्यूमरेटर में है n प्लस वन और डिनोमिनेटर में है n माइनस टू, तो आप इसमें क्या करेंगे, अब आप लोग समझ गए होंगे, हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तो 1 पहले से था, टोटल 3 हो गया n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर से नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, वापस सेपरेट डिवाइड, देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। इधर जगह है, इधर लिख देते हैं, देखो क्या होगा, n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको फिर से समझ गए होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, देखो ठीक है, n माइनस 2 फैक्टोरियल को वापस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो देखो ये कट हो गया, तो फाइनली आपका आया 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। जब इसमें आप लोग सम करोगे इसका, तो क्या होगा, ये आपका e हो गया, पहले ही सिखाया हुआ, ये 3e हो गया और ये वापस e, तो आंसर हो गया 3e और e 4e और e 5e। इस तरह से हम लोग सम को सॉल्व करेंगे।
और इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन आपको मैच हो रहा है डी ऑप्शन 5 ए, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से सम को करेंगे, समझ पाए आप लोग? ठीक, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट सम, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है फाइंड 1 + 1 + 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 + 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 1 + 3 + 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब देखिए ये सम करना है हम लोगों को, तो और इस सम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जिससे जो इससे पहले करते थे वही करेंगे, कि हम लोग पहले nth टर्म फाइंड करेंगे। अच्छा, इसके ऑप्शंस हैं ई बी ऑप्शन है ई स्क्वायर, सी ऑप्शन है 2e और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो हम लोग पहले nth टर्म ही फाइंड करेंगे, फाइंड करो tn। देखो जब nth टर्म करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर में 1 फिर 1 + 3 फिर 1 + 3 + 5, मतलब टर्म्स आपके रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ये सीक्वेंस सीरीज में किया हुआ है कि जब भी टर्म्स रिपीट होंगे तो आप लोग यहाँ पर जब भी nth टर्म फाइंड करना तो सिग्मा अप्लाई कर देंगे, ऐसे 1 + 3 + 5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और नीचे यहाँ पर 1 फैक्टोरियल अपने आप से लिख दो, तो डिनोमिनेटर में तो हो गया n फैक्टोरियल। ठीक, अब सिग्मा का मतलब है कि हम इसका nth टर्म फाइंड करने के लिए इसमें सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 1 + 3 + 5 है, ऐसे लिख लो, और सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अप्लाई कर दूँ n/2 2a की वैल्यू देखो 1 है प्लस n-1, और d की वैल्यू 3 - 1 यानी 2 हो गई। तो देखो n/2 न्यूमरेटर से 2 कॉमन कर दो, ब्रैकेट में 1 + n-1, देखो 1 से 1 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, n का n में मल्टीप्लाई n² तो आपका यहाँ पर जो सम आया n² तो यहाँ पर इसके प्लेस पर पुट कर देंगे, तो आपका nth टर्म मिल गया फाइनली n² / n। मेन इसमें nth टर्म फाइंड करना ही है, बाकी उसके बाद देख रहे हैं आप लोग इजी सम है। अब देखो यहाँ भी इजी सा हो गया, हम क्या करेंगे tn = n² / n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। अब देखो n से 1 n 1 टाइम कट हो गया, तो tn = आ गया n/n-1 फैक्टोरियल। और आपको क्वेश्चन देखकर पता चल रहा होगा अब क्या करना है, कि आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे इस तरह से। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, n-1 / n-1 फैक्टोरियल + 1 / n-1 फैक्टोरियल। लास्ट पेज वो चेक कर लेते कि यही था ना प्रीवियस पेज में, यस n-1 / n-1 फैक्टोरियल + 1 / n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए क्या होगा, हो गया आपका tn = n-1 / n-1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n-1 × n-2 फैक्टोरियल + 1 / n-1 फैक्टोरियल। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हो गया 1 / n-2 फैक्टोरियल + 1 / n-1 फैक्टोरियल, ये हो गया, ये आपका एंड टर्म हो गया। और जब इसका सम करेंगे तो आप लोग सीख चुके हैं अब तक, ऐस करेंगे तो क्या होगा, ये ई होता है और ये भी ई होता है, तो फाइनली आंसर आ गया 2e। ठीक है, चलो मैच करते हैं, 2e आ रहा कोई ऑप्शन या नहीं, यस सी ऑप्शन आपका हो रहा है 2e, और यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये सम समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट सम, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। देखिए नेक्स्ट सम आपका है 6 नंबर, द कोफिशियंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ e^3x-4 इज। हमें क्या करना है, इसमें e^3x-4 है, इसका एक्सपेंशन करेंगे, और इसके एक्सपेंशन में जहाँ पर भी x² आएगा उसके कोफिशियंट को नोट करेंगे, और वही आपका कोई एक आंसर होगा, आंसर इनमें से कोई एक होगा। तो आपका देखिए जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो है e^3x-4, ये क्वेश्चन है, हमें इसका एक्सपेंशन करना है।
तो अभी e की पावर x का एक्सपेंशन बताया उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। उससे पहले इसको ऐसे लिख दो e की पावर 3x डॉट e की पावर माइनस 4, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, आप जानते हो प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, तो हमने पावर ऐड में थी अलग अलग लिख दिया प्रोडक्ट में। अब e की पावर x का एक्सपेंशन करेंगे और हम लोगों ने एक्सपेंशन अभी याद किया, क्या होता है 1 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर 3x है, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और इसके बाहर जो मल्टीप्लाई में है वो e की पावर माइनस 4 है। तो देखो एक्स स्क्वायर मिल गया, तो आप लिखोगे देयरफॉर द कोफिशियंट ऑफ देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है 3 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, और इसके मल्टीप्लाई में है e की पावर माइनस 4, मतलब इसको भी लिखेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल e की पावर माइनस 4, और यही आपका ऑप्शन होगा जो आपको मैच कर रहा होगा। देखो कहाँ पर 2 फैक्टोरियल को 2 लिखा है, तो 2 फैक्टोरियल को 2.1 लिख सकते हैं, वापस लिखते हैं, देखो 2 फैक्टोरियल को 2.1 लिख सकते हैं, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 9 अपॉन 2 ई की पावर माइनस 4, अब ऑप्शन मैच करो 9/2 ई की पावर माइनस 4, ये रहा आपका डी ऑप्शन मैच हो गया। ठीक है, इस तरह से इस सम को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आया अभी ये सम, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट सम को, आते हैं नेक्स्ट सम में। देखो नेक्स्ट सम है 7th नंबर 1 प्लस 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, इस तरह का सम है। अब इस तरह के सम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो फिर से वही जो आपने अब तक किया है, इसका हम लोग nth टर्म फाइंड करेंगे। तो देखो nth टर्म करो tn इक्वल्स टू, तो देखो इसमें भी आप ध्यान से देखेंगे कि न्यूमरेटर में टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, कि 1 फिर 1 प्लस 3 फिर वापस 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर फिर 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो आपको पता है कि जब भी टर्म्स रिपीट होंगे तो आप इसमें सिग्मा अप्लाई कर देंगे, सिग्मा का मतलब होता है इसका सम करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 1 फैक्टोरियल होगा, तो 1, 2, 3, 4 यानी इसका nth टर्म कंप्लीट हो रहा है, n फैक्टोरियल होगा। ठीक, अब जो न्यूमरेटर में दिया हुआ उसमें gp लिखी हुई है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें a इक्वल टू 1 है, r इक्वल टू 3 है, और gp के सम का फॉर्मूला वैसे तो सिक्वेंस सीरीज में बता चुके हैं, फिर से लिख देते हैं, क्या होगा a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब r ग्रेटर देन 1 है, अप्लाई करो a की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो फाइनली आपका आ गया 3 की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2। ये आपका एंथ टर्म सिर्फ न्यूमरेटर का आया, तो फिर आपका जो एंथ टर्म सीरीज का होगा वो क्या होगा, लिखो टी एन इक्वल टू प्रीवियस पेज में जाते हैं एक बार देख लेते हैं फिर से, 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 2, 3 रेज टू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर है n फैक्टोरियल, तो इसको n फैक्टोरियल को वैसे ही लिख देंगे n फैक्टोरियल। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 1/2 को तो बाहर कर देंगे, अंदर हो गया 3 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे लिख देंगे, मतलब 3 रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल, सेपरेट करके लिख देंगे। अब इसमें भी वही करेंगे जो पहले किया, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, 2, 3 डॉट डॉट सो, जब पुट करोगे तो देखो क्या होगा, टी 1 इक्वल्स टू 1/2 तो बाहर है, 3 की पावर n है, 3 की पावर n की वैल्यू आपने 1 पुट की तो 3 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और जब यहाँ पुट किया तो 1/1 फैक्टोरियल। जब टी टू फाइंड करेंगे तो देखो टी टू इक्वल टू 1/2
थ्री की पावर टू, एन की वैल्यू टू है तो टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ऐसे क्लोज। तो ऑब्वियसली सारे टर्म्स इसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। अब हम लोग सम करते हैं, तो जब सम करोगे तो देखो वन बाय टू तो बाहर है और ब्रैकेट में होगा थ्री की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस थ्री की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट थ्री की पावर थ्री अपॉन थ्री की पावर थ्री अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। मतलब मैंने क्या किया, इसके जो फर्स्ट वाले टर्म्स हैं इनको सबको ऐड करके लिखा, फिर माइनस कॉमन वन अपॉन देखो वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म आप इसी तरह से लिखेंगे वन बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक, ये बन गया। अब क्या करेंगे, देखो जो हमने आप लोगों को एक्सपेंशन सिखाया था वो होता है ई की पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये होता है। तो आप ध्यान देखेंगे ये जो यहाँ पर एक्सपेंशन यानी सीरीज लिखी, यहाँ से लिखी थ्री की प्लेस पर एक्स के प्लेस पर थ्री, थ्री अपॉन वन फैक्टोरियल थ्री स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, देखो वैसे ही लिखा ना थ्री क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये वन नहीं है, तो आप इस वन को इस साइड लिख दो ई की पावर एक्स माइनस वन, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। समझ गए आप लोग। और इसी तरह इसमें भी आप लोग e का एक्सपेंशन जानते हो वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो इसमें भी वही करेंगे, देखो वन अपॉन वन फैक्टोरियल से स्टार्ट हो रहा है, यानी इस वन को इस साइड लेकर आओ, साइड चेंज करो ई माइनस वन इक्व टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और अब ये वैल्यू जो समेशन आया इसमें पुट करेंगे, तो देखो देयरफॉर सम क्या हो गया, सम इक्वल्स टू वन बाय टू, प्रीवियस पेज में जाते हैं, इसके प्लेस पर ई की पावर एक्स माइनस वन और एक्स यहां पर थ्री है तो ई की पावर थ्री माइनस वन, ई की पावर थ्री माइनस वन माइनस जो नेक्स्ट टर्म है उसमें को देखते हैं क्या है, यहाँ पर है वन अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल और इसका फॉर्मूला अभी आपको बताया क्या होगा e माइनस वन, तो इसके प्लेस पर आप e माइनस वन लिख देंगे, क्या लिखेंगे और इसके बाद इस तरह से क्लोज कर देंगे। तो देखो वन बाय टू ई क्यूब माइनस वन माइनस ई और माइनस माइनस प्लस वन, देखो वन से वन कट हो गया तो आंसर आ गया आपका वन बाय टू ई क्यूब माइनस ई, देखो दोनों में ई कॉमन है कॉमन कर लो तो ब्रैकेट में हो गया ई स्क्वायर माइनस वन। और इसके बाद अब हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है, वन बाय टू ई ई स्क्वायर माइनस वन और आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इस तरह से सम को आप सॉल्व करेंगे और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, अच्छे से। और इस तरह के और भी सम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और भी सम आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पेज है वो है लॉगरिथमिक सीरीज, तो देखो लॉगरिथमिक सीरीज अब ये लॉगरिथमिक सीरीज क्या होती है, अभी आपको लॉग स्टार्टिंग बताया था लॉग फॉर्म, तो उसी की सीरीज है। कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट सीरीज होती है वो होती है लॉग वन प्लस एक्स, याद करो इसका एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन होगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट सो, इस तरह से होता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना। दूसरा जो है फॉर्मूला, यदि हम लॉग वन माइनस एक्स का फॉर्मूला फाइंड करें तो क्या होगा, इसमें देखो अल्टरनेट फर्स्ट प्रॉब्लम में अल्टरनेट प्लस माइनस होते हैं और जब यहाँ लॉग वन माइनस एक्स करोगे तो ऑल टर्म्स आर नेगेटिव, ऐसे माइनस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस डॉट डॉट सो। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना एक्सपेंशन को। इसके बाद हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग। जब ऐड करोगे तो एक्सपेंशन होगा, देखो लॉग वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, और ये प्लस किया है, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पहले प्लस करके बताते हैं। प्लस लॉग वन माइनस है, देखो जब ऐड करोगे तो इस साइड में क्या होगा, देखो एक्स और एक्स कट हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब टू टाइम्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। इसी तरह से एक्स क्यूब अपॉन थ्री कट हो गया, ये दोनों ऐड हो गए, एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस डॉट डॉट सो। ठीक है, और अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लॉग वन प्लस एक्स प्लस लॉग वन माइनस, मतलब लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन होता है, ये आपने छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो लॉग एम इंटू एन यानी वन माइनस एक्स, और इधर माइनस बाहर कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट सो। ठीक है ना, तो अब ये फॉर्मूला आपका बन गया लॉग, ध्यान देना, ए प्लस बी ए माइनस बी, लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू और फोर अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट सो। ठीक है, वैसे इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया कि ऐड करने पर क्या हुआ। अब उसके बाद जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखो प्रीवियस पेज में देखते हैं, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे टर्म्स प्लस में हो जाएंगे, इसका मतलब एक्स और एक्स ऐड होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, तो सीरीज आपकी कुछ इस तरह से आ जाएगी, टू बाहर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, इधर देखो लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स यानी लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये होता है लॉग एम माइनस एन। ठीक है, और ये वन बाय टू यहाँ पर लेकर आ जाओ टू, तो वन बाय टू हो गया, और इस फॉर्मूले का यूज होता है, इसको आपको याद रखना है, थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस डॉट डॉट सो फॉर, ये याद रखना कि वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल टू होगा एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस डॉट डॉट सो ऑन। समझ में आए, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, लॉग वन प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फोर अपॉन फोर प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और सेकेंड फॉर्मूला लॉग वन माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री डॉट डॉट सो ऑन, और जब दोनों को ऐड करने वक्त तो फॉर्मूला ये बना, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा वन बाय टू लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इक्व टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस डॉट डॉट सो ऑन। और ये डायरेक्ट याद रखोगे तो इस टाइप के सम को डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, तो आपका सम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग इसके सम की प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं फर्स्ट सम क्या है। फर्स्ट सम है, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर एट है, बट लॉगरिथमिक सीरीज का फर्स्ट सम है, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस वन बाय टू एक्स पावर सिक्स माइनस वन बाय थ्री एक्स पावर नाइन डॉट डॉट सो ऑन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करनी है, और आंसर कुछ y के टर्म्स में आएगा। तो देखो आपको जो सीरीज गिवन है वो लिख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर सिक्स को लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट सो।
ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी किया था लॉग वन माइनस एक्स का, फॉर्म माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव डॉट डॉट सो ऑन, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। देखो तो वाई इक्वल टू इसके प्लेस पर ये अप्लाई होगा, देखो क्योंकि ये जो टर्म्स लिखे हुए इसके टर्म्स में है, तो क्या होगा लॉग वन माइनस एक्स के प्लेस पर एक्स क्यूब लिखेंगे, यही फॉर्मूला बन गया ना आपको, ये चीज समझ में आई या नहीं। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर ई होता है, ठीक है, ये ई होता है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो जब एक्सपोनेंट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई पावर वाई, स्टार्टिंग में आपको बताया था, और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स क्यूब इस तरह से, ठीक। अब इस एक्स क्यूब को इस साइड लाएंगे, साइड चेंज करके, तो एक्स क्यूब इक्वल टू वन माइनस ई पावर वाई, और आपका आंसर अभी मैच हो गया होगा, ऑप्शन है ए वन माइनस ई की पावर वाई, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख रहे होंगे आप लोग लॉगरिथमिक सीरीज का भी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं होता, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस वन बाय टू ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री ए माइनस बी का होल क्यूब अपॉन ए, ए माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। देखो ये है आपका, इस सम को कैसे करेंगे, तो इस सम का फॉर्मूला भी वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था, तो आप लोगों का सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं लॉग, देखो इसमें सब जगह प्लस है, जब हर जगह प्लस होता है, और जबकि हम लोग जो फॉर्मूले किए थे वो क्या थे, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस और इसमें सारे टर्म्स माइनस में, तब क्या करेंगे, तो हम लोग जो सेकंड नंबर फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, लॉग वन माइनस एक्स का क्या होगा, एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट सो, ठीक है। और इसके बाद यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस डॉट डॉट सो, ठीक। इस माइनस को इस साइड लिखेंगे, यहां पर लॉग वन माइनस एक्स है, अब ये माइनस इस साइड लेकर लिखेंगे, माइनस लॉग वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर यही पुट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस वन बाय टू ए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, वन बाय टू ए माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और उसी तरह नेक्स्ट टर्म है वन बाय थ्री ए माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन है। उसके बाद अभी आपने फॉर्मूला लिखा माइनस लॉग वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो देखो एक्स के प्लेस पर ये आपका ये लिखा हुआ है ए माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस लॉग वन माइनस एक्स, और एक्स के प्लेस पर ये वैल्यू है ए माइनस बी अपॉन ए, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फिर सॉल्व करो, देखो क्या होगा, माइनस लॉग इसमें आप ए को एलसीएम करेंगे, तो ए का वन में मल्टीप्लाई ए हो गया माइनस ए, और यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट होता है, मतलब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बी होगा, ये मिस्टेक मत करना, ये कट हो गया माइनस लॉग बी अपॉन ए ऐसा हो गया। अब इसमें लॉग एक्स अपॉन वाई अप्लाई कर देंगे, या लॉग एम अपॉन एन बोल सकते हो, वो होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यानी लॉग ए
और यहाँ पर e होता है बट लिखते नहीं है, जब नहीं लिखते हैं तो समझ जाइए वो नेचुरल लॉग है। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, तो उसको प्लस कर देंगे। तो प्लस वाले को पहले लिखा, लॉग ए माइनस लॉग बी, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और ऑप्शंस में ई लिखा हुआ है तो आप भी ई लिख कर रखिएगा, ई ई ई और ई, ऑप्शन मैच करो, लॉग ए माइनस लॉग बी, देखें कौन सा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया। इस तरह से सम को सॉल्व करेंगे, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन प्लस वन बाय थ्री एम माइनस एन अपॉन एम प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन बाय फाइव एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन की पावर फाइव प्लस डॉट डॉट सो ऑन, और इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हम लोगों ने एक अभी फॉर्मूला सीखा था, वापस उसी फॉर्मूले में जाते हैं। फॉर्मूला सीखा था ये रहा, 1 बाय टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्व टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5, और वहां पर भी देखो एक्स फिर एक्स क्यूब फिर एक्स 5 का टर्म है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को वापस लिखते हैं, फॉर्मूला क्या है, 1 बाय टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वस टू फॉर्मूला होता है आपका एक्स माइनस एक्स क्यूब एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट सो। और देखो जो इसमें राइट हैंड साइड है यहाँ पर सीरीज एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट सो, वो यहाँ पर मैच हो रही है। मतलब इसके प्लेस पर यदि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो आप डायरेक्टली 1 बाय टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टू लॉग 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के प्लेस पर क्या लिखेंगे, m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, लिख दो m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, फिर इसका डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ये आ गया। देखो 1 बाय टू लॉग 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के फॉर्म में है। अब हम लोग एलसीएम करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट में होता है, ठीक है, एलसीएम करो तो देखो जब एलसीएम करेंगे न्यूमरेटर में तो एम प्लस एन एलसीएम हो गया, ठीक है, तो m प्लस एन का इधर मल्टीप्लाई m प्लस एन प्लस एम माइनस एन, डिनोमिनेटर में भी m प्लस एन एलसीएम, तो m प्लस एन माइनस एम माइनस माइनस प्लस एम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखो m प्लस एन से m प्लस एन कट हो गया, डिनोमिनेटर में देखो n से n कट हुआ, आपका फाइनली आ गया 1 बाय टू लॉग, देखो m और m 2m अपॉन 2n, ठीक है, 2 से 2 भी कट हो गया, तो 1 बाय टू लॉग m अपॉन n, तो आपका आंसर लॉग 1 बाय टू लॉग m अपॉन n, और यहाँ पर नेचुरल लॉग होता है तो e होता ही है, तो आपका इसमें d ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है ना, d ऑप्शन मैच हो गया। इस तरह से इस सम को सॉल्व करेंगे, तो ये सम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे, देखो नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम है द वैल्यू ऑफ द सीरीज 1 बाय टू ब्रैकेट 1 बाय टू प्लस 1 बाय थ्री माइनस 1 बाय फोर 1 बाय टू स्क्वायर प्लस 1 बाय थ्री स्क्वायर फिर प्लस 1 बाय सिक्स 1 बाय टू क्यूब प्लस 1 बाय थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो देखो क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है 1 बाय टू ब्रैकेट में 1 बाय टू प्लस 1 बाय थ्री, फिर नेक्स्ट टर्म है 1 बाय फोर ब्रैकेट में
वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर, फिर ब्रैक इसके बाद प्लस वन बाय सिक्स वन बाय टू क्यूब प्लस वन बाय थ्री क्यूब, है ना, फिर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो सीरीज में वन बाय टू को कॉमन कर लेंगे। कॉमन कर लीजिए, जब कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में देखो वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, इससे भी टू कॉमन हो गया वन बाय टू, वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर प्लस इसमें भी कॉमन हो गया वन बाय थ्री, वन बाय टू क्यूब प्लस वन अपॉन थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट सो ऑन। देखो प्लस माइनस प्लस, अगला टर्म तो ऑब्वियसली माइनस में होगा, यहां पर माइनस होगा, माइनस कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, वन बाय टू बाहर तो है ही। देखो फर्स्ट टर्म जो ये सीरीज लिखी, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका फर्स्ट टर्म, कैसे, वन बाय टू फिर माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर ये है अपॉन टू, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहां पर आ नहीं पाएगा सम, चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पहले तो लाइन लिख देते पूरी, वन बाय टू, वन बाय टू ब्रैकेट में वापस लिखते हैं वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, फिर माइनस, देखो माइनस है या प्लस चेक कर लेते हैं, माइनस ये वन बाय टू, वन बाय टू ब्रैकेट में वन बाय टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री, वन बाय टू क्यूब प्लस वन बाय थ्री क्यूब प्लस माइनस डॉट डॉट सो ऑन, प्लस नहीं होगा ये। अब इसके बाद हम लोग ऐसे देखेंगे, ध्यान देना, वन बाय टू तो बाहर ही है, ये वन बाय टू, फिर इसका फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं ऐसे वन बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला टू, ऐसे, फिर वन बाय टू का होल क्यूब अपॉन ये थ्री माइनस डॉट डॉट सो ऑन, ठीक है, कर दो। और दूसरा टर्म से उसको लिखो प्लस, देखो वन बाय थ्री प्लस, सॉरी माइनस, यहां प्लस नहीं है, देखो यहां पर माइनस है ना, माइनस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, फिर प्लस वन बाय थ्री का होल क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे ब्रैकेट क्लोज। तो आप ध्यान देखेंगे दोनों ही फॉर्मूले बन गए, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और ये फॉर्मूला होता है log 1 प्लस x का, 1 प्लस x प्लेस पर 1 बाय टू है, और उसी तरह से ये फॉर्मूला भी होता है log 1 प्लस x का, इस तरह से, ठीक है ना, दोनों फॉर्मूले आपने लिख दिए। अब देखो 1 बाय टू, इसको जब एलसीएम करोगे तो एलसीएम होगा log 3 बाय टू प्लस, इसमें एलसीएम करके 3 बन जाए 3 और 1 log 4 बाय थ्री, ठीक है ना। इसके बाद देखो log x प्लस log y फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपने जब फॉर्मूला अप्लाई किया log xy 3 बाय टू इंटू 4 बाय थ्री, तो देखो 3 से 3 कट हो गया, 2 टू जा 4, तो आपका आ गया 1 बाय टू log 2, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, देखो ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन में कहीं भी वन बाय टू नहीं आ रहा है, तो आप इसको इस तरह लिखो। देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने लॉग में पढ़ा होगा, एन लॉग एम जैसे लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एम की पावर एन, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वही करेंगे, log 2 की पावर 1 बाय टू, ये हो गया log रूट टू,
इस तरह से सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे, एक मिनट नेक्स्ट पे में जाने से पहले कुछ फॉर्मूले लॉग के आप लोग सिखा दें, मुझे लग रहा प्रॉब्लम हो रही होगी। हम सम तो कर रहे हैं बट आप लोगों को फॉर्मूलों में प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला एक ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एम, बेस में ए है जैसे, तो होता है लॉग एम एन, और ये आप लोगों को आता होगा इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, बट बता देते हैं, जिस किसी को भी नहीं आता होगा वो समझ जाएगा। लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, तो फॉर्मूला होगा लॉग एम अपॉन एन, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला लॉग एम रेस टू एन बेस ए, तो क्या हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए, ठीक है। ये फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला और होता है जैसे e की पावर या a की पावर लेते हैं, a की पावर log a या x के स्टेप में लिखते हैं, a के स्टेप में नहीं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, x की पावर log x बेस e या a जो भी है, तो ये इक्वल टू x होता है। एक ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, जैसे आपका लिखा हुआ log a बेस b, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log a अपॉन log b फॉर एनी बेस, कोई भी बेस यूज कर ले, जैसे यहाँ पर e कर ले, तो इस तरह से ये फॉर्मूले, ये बेसिक फॉर्मूले हैं और ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैं मुझे लग रहा था आप लोगों को नहीं आ रहे हैं तो इसलिए हमने ये समझा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज 1/2 x² + 2/3 x³ + 3/4 x⁴ + ……. और इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखो सीरीज आपकी जो है वो हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। देखो सीरीज क्या है आपकी 1/2 x² + 2/3 x³ + 3/4 x⁴ + ……. देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर 1/2 को लिखेंगे 1 - 1/2 x² इसको लिखेंगे 1 - 1/3 लिख सकते हैं ना, x³ इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4 x⁴ + ……. ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, हम 1 का x² मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 × x² क्या होगा x², फिर यहाँ पर 1 का x³ में मल्टीप्लाई तो x³, फिर यहाँ पर 1 का x⁴ मल्टीप्लाई तो x⁴, इस तरह से ……. ये इसके बाद माइनस, देखो ध्यान देना 1/2 x² यानी x² / 2 माइनस x³/3 माइनस x⁴/4 माइनस ……. ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप x ऐड करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया x² से पहले x ऐड किया और यहाँ पर x सब्ट्रैक्ट किया, x² / 2 माइनस x³/3 वैसे ही माइनस ……. ठीक है। तो अब देखो x + x² + x³ एक जीपी बन गई और जीपी में सम का फॉर्मूला होता है s∞ = a/(1 - r), ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो होगा a, यहाँ पर देखो x है x/(1 - rvx) और ये फॉर्मूला जो नेक्स्ट प्रीवियस पेज में आते हैं −x − x²/2 − x³/3 ……. ये log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, तो आप इसके प्लेस पर लिखोगे प्लस log 1 माइनस एक्स और यही आपका ऑप्शन मैच होगा। देखो आंसर से मैच करते हैं, क्या है आंसर x/(1 - x) + log 1 - x) / e, तो x/(1 - x) + log 1 - x) / e यहाँ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, ये आपका ऑप्शन बी मैच हो गया। इस तरह से आप लोग इस सम को समझ गए होंगे।
तो इस तरह से आप लोग लॉगरिथमिक सीरीज के और भी सम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।